हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएसआरटी ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग संडे स्पेशल ब्लॉग होने वाला है और आज के ब्लॉग में मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ वो तो आपको ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। और आज मैं बताने वाली हूँ एक खास ट्रिक जो कि हम फूड पैकेट ले आते हैं ना, जैसे मूंगफली के दाने हो गए, सूजी का पैकेट हो गया और ड्राई फ्रूट वगैरह के पैकेट और वर्मीसिले वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना पैकेट वाली चीजें हम लाते हैं, तो वो ये सारी चीजें तो ऐसी ना कि कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है। और वो जैसे जिसके किचन में जिनके किचन में जगह थोड़ी कम होती है ना, उनको रखने में दिक्कत आती है। अगर वो पैकेट अगर थोड़ी सी भी हवा पहुंच जाती है ना पैकेट में, लगती है नमी पहुंचती है, तो वो पैकेट चीजें खराब हो जाती है। तो उनको दोबारा से सील बंद कैसे करेंगे वो ट्रिक मैं आपको आज आपको बतानी हूँ, जिस तरीके से मैं करती हूँ, क्योंकि पैकेट को किस तरीके से सील बंद करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की मजेदार ट्रिक आपको इसी तरीके से मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, पूजा जैसा हो चुकी है और अब चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन में क्या क्या है, आज क्या बनाऊंगी नाश्ते में, फिर खाना बनेगा, फिर देखते हैं क्या क्या मैं शूट कर पाती हूँ। मेन बात तो ये होती है ब्लॉगिंग करने में कि मैं क्या क्या शूट कर पाऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और बनाते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड्स, आज ब्रेकफास्ट में बनेंगे बेसन के चीला। तो सामान क्या क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ठीक है फ्रेंड्स। बेसन का चीला बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दो कटोरी बेसन लिया है, ये चार मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, दो टमाटर और छह मोटी वाली मिर्च और चार उबले हुए आलू। सूखे मसालों में मैंने लिया है थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। तो आलूओं को हम क्या करेंगे, कद्दूकस कर लेंगे और बाकी चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे या फिर चाकू से महीन महीन काट लेंगे। तो चॉपर में क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी हो जाता है और चाकू से काटने से थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए प्याज चॉप हो गया और इसी के साथ में ये मिर्च भी देखिए कितनी महीन से कितनी महीन महीन बारीक बारीक चॉप हो गई हैं। और ये कद्दूकस करके आलू भी रख दिए हैं एक साइड में, और ये प्याज और मिर्च चॉप करने के बाद इसी में कर लूँगी ये टमाटर को चॉप कर लूँगी। तो टमाटर भी हमारे बारीक बारीक फटाफट चॉप हो जाएंगे, इससे टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है। तो और अब क्या करेंगे, ये पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें टमाटर आलू और नमक। टमाटर आलू फ्रेंड्स पहले नहीं डालेंगे, घोल बनाने के बाद ही ऐड करेंगे। तो देखिए घोल बना लिया, फिर टमाटर डाले और आलू डाले, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर अब लगेगा कि पानी की ज़रूरत है हमें तो पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल रहा है, मतलब थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। ये देखिए फ्रेंड, तो चम्मच से मैं आपको भी उठा के दिखाती हूँ कि बैटर किस तरीके का बना है। ये देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा बना है ना ज़्यादा पतला बना है। अब हम इसके बना लेंगे चीले। तो नॉन स्टिक पे तवे पे अगर बनाएंगे ना तो इसमें घी या तेल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, और ये बिना घी तेल वाले हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी तो होते ही हैं। और अगर आप लोहे के तवे पे बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो उसमें तेल या घी लगाना पड़ेगा और इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है लगाने की। ये देखिए हमारा एक चीला बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे चीले बना के तैयार कर लेंगे। और चीला बनाने के बाद तवे को कपड़े से पोंछना ज़रूरी होता है ना, थोड़ा बहुत कण मतलब बेसन का टुकड़ा लगा रह जाता है ना तो उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो जल जाएगा नीचे नीचे। और ये देखिए एक गैस पर बन रही है हमारे चाय, एक गैस पर चीला। तो आज नाश्ते में यही है चाय और चीला। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए प्लेट लगा दी है और काट दिया है ये पिज़्ज़ा स्टाइल में, तो आप लोग भी खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ में। और अब मैंने लगा दी है बच्चों की प्लेट, तो मैं देने जा रही हूँ बच्चों को। और इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धुले, डस्टबिन में गंदा हो रहा था डस्टबिन में, और मैं आपसे बातें भी करते जा रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 12:15 हो गया है और अभी मुझे बनाना है खाना। तो खाने में आज बनेगी मूंग की दाल और रोटी, क्योंकि शाम को बच्चों ने कहा है कबाब पराठा खाने के लिए, तो शाम की भी तैयारी मैं साथ साथ लूंगी। और ये देखिए मैंने न्यूट्रीला और ये चने की आधा कप दाल निकाल के रखी है और दाल में पानी गर्म पानी करके दाल में डाल दूंगी तो जल्दी से भीग जाएगी 2-2.5 घंटे में। और पानी मैंने गैस पे चढ़ा दिया ये देखिए गर्म करने के लिए, तो पानी गर्म हो रहा, गर्म पानी जो है दाल में डाल दूंगी। तो शाम की भी तैयारी साथ साथ में चल रही है और खाना भी बनाना है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसके बाद कोई मतलब शूटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि फटाफट खाना बना लूंगी, बच्चों को खाना देने के बाद अब मैं सीधे शाम को शूटिंग करूंगी। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी शाम को, ठीक है फ्रेंड्स।
अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 मुझे लग रहा है। अभी मैं टाइम देख के बताती हूँ आपको। अभी 5:30 हुआ है तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स। और मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ। मैं दोपहर को जब मैं खाना बनाने जा रही थी उसके बाद कोई शूटिंग नहीं थी और फिर दोपहर के सारे काम मेरे चलते रहे, काम नहीं बंद हुए। तो खाना बनाया, खाना सबको बच्चों को खिलाया, खाना फिर को दिखाया, फिर सारे बर्तन धुल के रखे। उसके बाद कपड़े प्रेस करने को पड़े थे, वो कपड़े प्रेस किए क्योंकि आप तो ड्रेस की कपड़ों में ड्रेस भी शामिल है ना, तो ड्रेस को प्रेस करके देनी देनी है। तो ड्रेस के साथ में जो और कपड़े थोड़े इकट्ठे हो जाते वो प्रेस कर डाले। तो कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद उसके बाद हो गया चाय का टाइम। तो 4:30 तक चाय का टाइम हो जाता है, फिर चाय बनाई, बच्चों को दी, चाय पी गई, उसके बाद फिर चाय के बर्तन धुले। तो मतलब आराम बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, आराम तो है ही नहीं, संडे को तो बिल्कुल आराम नहीं मिलता। तो पूरा दिन काम चलता रहता है। और जब मैं चाय बनाने के लिए आई थी तो ये दाल जो मैंने भिगोई थी ना सुबह पराठा के लिए, मुझे साथ ही साथ दाल भी उबाल ली मैंने। और जिस दाल में मैंने क्या बोल रही हूँ मैं, जिस कुकर में मैंने दाल बनाई थी मूंग की, उसी कुकर में मैंने ये दाल उबाल ली थी कबाब पराठा वाली। और ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ। चटनी में बना के रख चुकी हूँ। ये देखिए चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। क्योंकि चाय बनाने के लिए एक काम करने के लिए आओ ना तो चाय तो हमारे छूटे हुए पड़े होते, साथ साथ भी छूटे रहते हैं। तो चटनी बन गई है, ये दाल पीस लूँगी, फिर बनाऊंगी कबाब, फिर मैदा लगा के बनाऊंगी कबाब पराठा। और कबाब पराठा की पूरी रेसिपी डाल चुकी हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दे दूंगी फ्रेंड्स, आप जाके वीडियो देखिएगा, बनाइएगा और अपने बच्चों को जरूर बना के खिलाइएगा। ये घर पे जो कबाब पराठा बनाते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, बाहर के तो जो बनते हैं अजीब सी इसमें महक इसमें जैसी आती रहती है। तो आप भी बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। ठीक है, तो मैं दाल पीस लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो ये फ्रेंड्स सारी तैयारी करके मैंने चटनी वगैरह बना के और ये कबाब बना के रखी है, लेकिन बनाऊंगी थोड़ा सा रुक के। तो ये सब बनाऊंगी थोड़ी देर में, अभी चलते हैं छत पे। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आराम से पौधों को पानी दे रहा था मेरा बेटा। और जैसे इसने देखा कि मम्मी ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया है, इसका रिएक्शन देखिए। और ये देखिए कौन मिला हमें, और ये है बरसाती कीड़ा जो कि पौधे पे बैठा हुआ, ये समी का पौधा है, इसे काफी देर से बैठा हुआ था। और मैंने कैमरे की लाइट जला के देखी तो मैं दिखाया तो ये चमक रहा था। और नीचे आने के बाद ये देखिए हमारे कबाब भी सिकने लगे, लगभग सिक गए हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको सेकना शुरू किया था। और ये देखिए बन रहे हैं हमारे कबाब पराठा, और ये लीजिए कबाब पराठा भी लगभग बन के तैयार ही हो गए हैं। आप लोग भी खा लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, खा के बताइए कि कैसा बना है। और अब बारी आती है ट्रिक की जो मैं बताने वाली हूँ। तो ये वर्मीसीली का पैकेट है जो कि कल शाम को मैंने खोला था और आधी वर्मीसीली बना ली थी, तो शाम को ही बंद करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं ये ट्रिक, आपके भी साथ काम आ जाए। तो इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, लेंगे सिल्वर फॉयल जिसमें हम खाना पैक करते हैं और प्रेस गरम करेंगे जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। तो ये देखिए छोटा सा टुकड़ा लिया है फॉयल का और इसको पैकेट के बीच में इस तरीके से रखेंगे, पैकेट को फॉयल के बीच में रख के और ऊपर से घुमा देंगे प्रेस 3-4 बार। और ये लीजिए हमारा जो है पैकेट सील बंद हो गया। अब आप इसको कितना भी हिलाइए, गिराइए, कुछ भी कीजिए, ये इसमें से चीज़ें गिरने वाली नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके का पैकेट हो आप इसी तरीके से सील बंद कर दीजिए और आराम से रख दीजिए, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। तो ये ट्रिक पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की और ट्रिक मैं आपको बताती रहूँ।